सबसे पहले हम शुरू करते हैं। मैंने दाल ली थी और इस दाल को मैंने हल्का सा गीले कपड़े से पोंछ करके और थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दिया था। और सूखने के बाद मैंने इस दाल को मिक्सर ग्राइंडर में पीस लिया। आप इसकी ये देखें कैसी थोड़ा सा दरदरा है, तो इसको घर में आराम से आप इसके उसके झंझट से ख़त्म हो, वो झंझट ख़त्म हो जाएगा कि आप दाल भिगोएं फिर उसको पीसें। फिर कई लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि हलवा बनाते वक्त वो चिपकता बहुत ज़्यादा है, तो उसकी भी मैं आपको टिप दूंगी कि वो चिपकेगा नहीं। और दाल की पिट्ठी की भी मैं आपको हलवा बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से आराम से वो भी बन जाता है। तो ये देखें आप, ये 250 ग्राम के करीब मैंने दाल लिया है। ये बिल्कुल इस तरह का दानेदार होगा, आप आराम से देख लीजिए। आप इसको देखें, ये देखें, ये आप देख सकते हैं। ऑन कर लिए और कढ़ाई गर्म कर लिए। अब इस कढ़ाई में हम घी डालेंगे। ये जो दाल पिसी हुई है ये हम इसमें जैसे सूजी भूनते हैं इस तरह से इसको भूनना है। और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है। आप जैसे दाल की पिट्ठी बनाते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है भुनने में, पहले वो थोड़ा सा लिक्विड में होता है, फिर उसके बाद उसका पानी सूखता है, उसके बाद जब सूखने के बाद वो भुनना शुरू होता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें आप डालते के साथ और डालने के बाद ये भुनना शुरू हो जाएगा। इधर हमने दूध में केसर डाल के भिगो लिया है, ये देख आप देख सकते हैं, ये हमने भिगो के साथ में रख लिया है, तैयारी कर ली है इसकी। और ये हमने एक पाव से कम मतलब 200 ग्राम के करीब हमने ये चीनी ली है, क्योंकि हम इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे खोए के बजाय, और मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे। तो बनाना शुरू करते हैं, इसको भून गए और भून ये हमारा भुनना शुरू भुन गया है। अभी इसमें मैं गरम पानी मैंने कर रखा है, ये गरम पानी मैं इसमें डालूंगी, ठंडा नहीं डालना है। और इन मीन टाइम इसमें दूध भी डाल देंगे। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी डालने पर ये थोड़ा पतला हो गया है, इसको थोड़ा सा ठीक होने दें। इसको चलाते रहेंगे इन द मीन टाइम मैंने ये काजू है इसको माइक्रोवेव में थोड़ा सा रोस्ट कर लिया है, और इसके अब छोटे छोटे टुकड़े करके रख लेती हूँ, पहले से तैयार करके रख लूँगी इसको। ये देखें ये गाढ़ा हो गया है। अब मैं इसमें मैं मिल्क पाउडर डालूँगी। अगर आप चाहें तो इस समय आप मावा पाउडर डाल सकते हैं, या मावा खोया जो होता है उसको थोड़ा सा अलग से भून करके और इसमें मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ये मिल्क पाउडर डाल रही हूँ।
और मिल्क पाउडर डालकर और इसको थोड़ी देर के लिए भुनेंगे जब तक कि इसका जो घी है वो किनारे ना आने लगे। चारों तरफ से ये जो है ये भुन करके अच्छी तरह से ये मिल्क पाउडर भी अच्छी तरह से भुन जाएगा और भुनने के बाद जो इसमें जो घी पड़ा हुआ है वो साइडों पे आने लग जाएगा। तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। इसी टाइम पर ये केसर वाला जो दूध है ये इसमें हमने ऐड करना है, थोड़ा सा रख लेना है जो कि बाद में हम मिक्स करेंगे। ये देखिए इसमें साइड पर ये घी आने लग गया है, बस इसको 2 मिनट और चलाएंगे और इसको फिर बंद कर देंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें हम अपना ड्राई फ्रूट थोड़ा सा मिक्स अभी कर देते हैं और बाद में गार्निश के लिए हम इसमें करेंगे। थोड़ी इलायची डाल देते हैं। ये हमारा हलवा तैयार है तो इसको आप सर्व कर सकते हैं। यह ठंडा था, ये देखिए ये हलवा मेरा तैयार है। आप इसे इस तरह से मेरे तरीके से बनाएं और बना करके अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।